साढ़े दो स्कूल उड़ी गए, दो साढ़े ग्रां उड़ी गए, चक रकबा साढ़ा रोया बगोर उड़िया, दो मंदिर उड़ी गए, दो स्कूल उड़ गए, गौरमेंट घर सुती है, गौरमेंट फिर आखा बनने दिया, गौरमेंट आखे फिर बनने दे के वा अगर गौरमेंट को नहीं बजी सकता गौरमेंट सिलेंडर सिलेंडर करा फिर साढ़े को नहीं बजी सकता कि अस कोई और बंदोबस्त करिए। अभी तक तो कोई इतनी बड़ी बरसात नहीं हुई, तो ये जो पुल बना रहे हैं ना मोदी जी, ये पुल पल बह जाते अभी तक, बारिश नहीं हुई अभी तक ऐसी कोई भी। गवर्नमेंट लास्ट के साथ पिंड रुड़ी आता ऐसे खड्डे में खड़ोलियों में चाहे जगह दी हुए क्या सूटे भी कख नहीं लगता जड़ गए खा गया होता। मोदी सरकार का तो है खड़ा आश्वासन, ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलान कर दूंगा, उसके मिनिस्टर आते हैं यहाँ हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, हजारों मारी आके प्रशासन चुप कर गया, एसी लाइया सोते हुआ हाँ जी वो अपने एसी लाइया सोता हुआ, ये सुनते गरीब लोग हथू मुंह पूजा ये दरिया का काम चीफ मिनिस्टर जहाँ आ चुका है एक बार, चीफ मिनिस्टर अमर उद्दुल्ला साहब तारा चंद लेके यहाँ पहुंचा था, तब भी उससे कुछ नहीं हुआ, तब भी यही पोजीशन थी, उसके बाद और बह गया होड़ा। ये लोगों ने आपको चुना है, चुनी हुई सरकार है, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करता हूँ, हर काम सरकार नहीं देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है ग्राउंड रियलिटी देखना, ग्राउंड को चेक करना और उसको गवर्नमेंट के संदर्भ में लाना, मोदी जी जहाँ आके काम नहीं करेंगे। मेरी अपील है एलजी साहब से, मोदी साहब से कि इसका संज्ञान लिया जाए और लोगों की प्रॉब्लम हल की जाए। और अगर यही हालत रही, अभी लंबेदार से मैं बात कर रहा था, बोला ये बच जाता लेकिन इस हालत में चला जाएगा, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सिर्फ श्रीनगर को देख रही है, कश्मीर को देख रही है, कश्मीर में ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि वोट चाहिए ना, तो पुत्र जब जहाँ यहाँ वोट लेने आओगे पता तब चलेगा पता वोट कौन देता है कौन नहीं देता, बोलने से थोड़ा होता है कि हमारे वोट तो 50 सीटें ले जाओगे, जहाँ से कहाँ से ले जाओगे 50 सीटें, यहाँ एक भी लेकर बताना, इसीलिए इलेक्शन नहीं करा रहे और क्या बात है, क्यों आगे के पीछे ले जा रहे हैं इलेक्शन को, आम आदमी पार्टी को आने दो, जो कुछ केजरीवाल कुछ बोलता तो है करेगा या नहीं करेगा, बोलता देता है ना कम से कम आपका बिजली किराया माफ कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, 5 किलो आटा लोगों को देकर खुश कर रहा है, रेवड़ियों बीजेपी बांट रही है और कौन बांट रहा है, माया उगड़ा सारी आम आदमी पार्टी थोड़ा रेवड़ियाँ बांट रही है, मोदी सरकार बांट रही है रेवड़ियाँ, डॉक्टर का कैंप लगाया 2 बार, वो तारो जी हमारी जो श्रीमती वो हैं क्या बोलते हैं सरपंच जी हैं वो डोंच के मैं करा देगी, दूसरे मैं पेपर देखा नाम कहाँ बकोर का और कैंप कहाँ लगा डोंच का मैं, क्या शर्म आई क्यों फिर दोबारा फिर वो पेपर में जो देखा डोंच का ही देना था बकोर का नाम क्यों लिया। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं मोहित शर्मा। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूं बकोर इलाके में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी तादाद में लोग यहां पे इकट्ठा होकर एलजी प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं। हम जानेंगे इनसे कि आखिर आज क्या ऐसा मुद्दा है इनका जिसको लेकर ये सारे आज इकट्ठे होकर यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी चाचू के नाम तुम्हारा? मैं नाम प्रशोप सिंह मनास। ये मसला जी तुम सारी कटा मसला जी सारा दरिया का मसला है, ज्यादा कर यहाँ समझो एक बंदे की पेंट कोट सियाई दो पेंट कोट सियाई दो, अगर वो बंदा लास्ट स्टेज पर ज्यादा आया उसी 500 और सियाने के लोड पई, यानी कि पहला तो उसका इलाज करना चाहिए, साढ़े पिंड की डिवेलपमेंट हो रही है, डिवेलपमेंट अगर ग्रां नहीं रहा तो साढ़ी पिंड की डिवेलपमेंट क्या करती है, साढ़ा ग्रां है 180 घमार रखा साढ़े बकोर का जरा 40 घमार रह गया और ये लोग बड़े परेशान के साड़ी रोजी रोटी आ दी और ये इस वेली रोजी रोटी नहीं है कि साढ़े जड़े आने वाली पीढ़ियां की सारी पहला पट्टी रुड़ा कर दी है और गवर्नमेंट जी अपने घर सुती दी है और अस आखे बट इस मीन सा गवर्नमेंट गवर्नमेंट के नाम का अर्थ क्या है, गवर्नमेंट होती है लोगों के लिए और लोग परेशान है तो गवर्नमेंट अपनी कुर्सी रखा कर रही है, ठीक है इस वजह से साढ़े दो स्कूल उड़ी गए, दो साढ़े ग्रां उड़ी गए, चक रकबा साढ़ा रोया बगोर उड़िया, दो मंदिर उड़ी गए, दो स्कूल उड़ गए, गवर्नमेंट घर सुती है, गवर्नमेंट फिर आखा बनने दिया, गवर्नमेंट आखे फिर बनने दे के वा अगर गवर्नमेंट को नहीं बजी सकता गवर्नमेंट सिलेंडर करा फिर साढ़े को नहीं बजी सकता कि अस कोई और बंदोबस्त करिए, गवर्नमेंट लास्ट के साथ पिंड रुड़ी आता अस खड्डे में खड़ोलियों में चाहे जगह दी हुए क्या सूटे भी कख नहीं लगता जड़ गए खा गया होता
है इस वास्तव साड़ी आने वाली पीढ़ियों लिए भी साड़ी ये प्रॉपर्टी रुड़ा करती है। अस गौरमेंट आख गुजारिश करा दिया कि गौरमेंट ने इस वेल मौका दिखा सा परेशानियां दिखा कि सा पिंड रुड़ा है गौरमेंट अपनी कुर्सी पर गौर कराई है ना कि साढ़े लोगों की गौर कराई है। तुम कोई प्रशासन की या कोई एस डी मखोड़ या कोई बीडीसी डीडीसी ने कोई गल की थी तुसे? हां जी एक बारी महाराज प्रशासन दी आहे हजारा मारी आके प्रशासन चुप करिया एसी लाया सुता दा हां जी वो अपने एसी लाया सुता दा जेडे सुंदर गरीब लोग हथों कना मुंह पुंजा दे इस वास्ते अस आखन आ कि प्रशासन ने मौका दिखा अगर साडी एक कनाल जमीन इथों रुड़ी जा तां हजारा अरबे रुपए की प्रॉपर्टी साढ़े खड़के लोगों की रुड़ी जानी है। हाँ जी खड़के पिंड नहीं जाने सारे इस लपेट बेच ने और गौरमेंट अपना घर सुती दी है। इस वास्ते अस प्रशासन जी आखा दें इस वेल दुश्मन सुता वा और इस सुते इस वेल तुम मोर्चा बनाई सकते हो जिस वेल दुश्मन लुटकारे लिए पे मार फिर ये मोर्चे नहीं आने बनने ठीक है नी। इस वास्ते अस इले भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस वेल मौका नहीं है तो साढ़े बन बनते जा देख सकते हैं कितने परेशान लोग हैं। लेकिन मैं बता दूं मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने एक बार यहाँ पे स्टोरी करने में पहले भी यहाँ पे स्टोरी करके गया हूँ इस दरिया को लेके काफ़ी सारा एरिया जो इस दरिया की चपेट में आ चुका है और मुझे याद है कि मैंने यहाँ पे एक स्टोरी की थी आज जिस जगह पे मैंने खड़े होकर स्टोरी की थी आज वो जहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं दिख रही है वहाँ पे भी क्रेट के ऊपर खड़े होकर मैंने स्टोरी की थी। लेकिन यहाँ पे अपने सहयोगी पत्रकार से कहूँगा एक बार यहाँ से दिखाए विजुअल में ये देख सकते हैं आप एक स्कूल हुआ करता था यहाँ पे और इससे काफ़ी ज़्यादा दूर काफ़ी सारे दूर खड़े होकर मैंने ये स्टोरी की थी। लेकिन आज इस चीज़ के दृश्य देखें आपकी ये सारा एरिया जो इस दरिया की चपेट में आ गया और इन लोगों का यही कहना है कि आने वाले दिनों में ये बुकोर इलाका है जो वो सारा इसी की दरिया की चपेट में आ सकता है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ के लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम योगेश चौधरी है मैं पंचायत बुकोर से हूँ जी। तीन हफ्ते पहले इन लोगों ने गवर्नमेंट से अपील करी थी कि यहाँ पे काम लगना चाहिए उसके संदर्भ में हमने डबली साहब अपने एक्शन साहब के ऑफिस में हमने विज़िट किया उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि एक दो हफ्ते के अंदर यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा लेकिन थोड़ी फंड्स की कमी है। हम चीफ साहब से डीसी मैम से एलजी साहब से हम संपर्क में हैं हम 30 अप्रैल से पहले पहले ये काम पूरा करने का आपको आश्वासन देते हैं जो कि अभी तीन हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन यहाँ पे एक दिन महकमे की यहाँ पे गाड़ी आई थी उन्होंने यहाँ का रुख देखा था तो उन्होंने बताया था आश्वासन दिया था कि जो लोगों ने जो अपील करी है उसके ऊपर काम जारी है लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई खबर नहीं ली है। जब मैं ऑफिस में वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ के जो स्टाफ है मुझे नहीं लगता जिस भी स्टाफ के पास जाओ फ्लड कंट्रोल में चले जाओ वीडियो में चले जाओ कहीं पे भी चले जाओ उनका एक ही कहना होता है हमारे पास फंड्स नहीं है। जब फंड्स नहीं है इसका मतलब काम भी नहीं हो रहा है जब काम ही नहीं हो रहा तो महकमे किस लिए हैं वो तो उनका एक सीधा ही जवाब है आप आगे अप्रोच करिए। जब हमने आगे अप्रोच खुद ही कर लिया है तो बीच में महकमे किस लिए रखे हैं इनको आगे पीछे कहीं अटैच कर देना चाहिए दूसरे महकमों के साथ मर्ज कर देना चाहिए। मैं इन लोगों का बहुत ही इनके लोगों का जो माइंड सेट है उसकी मैं दाद देता हूं कि अपनी ज़मीन दादात अपने असेट्स गंवाने के बाद भी ये लोग गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट इनको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही। तो आई थिंक कि राजनीति करने से बेटर है कि काम नीति की अगर आप वो लाइन अपनाते हैं तो आपको राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों ने आपको चुना है चुनी हुई सरकार है मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करता हूँ हर काम सरकार नहीं देखेगी एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज है ग्राउंड रियलिटी देखना ग्राउंड को चेक करना और उसको गवर्नमेंट के संदर्भ में लाना। मोदी जी जहाँ आके काम नहीं करेंगे एल जी आके जहाँ खुद काम नहीं करेंगे उनके संदर्भ में अगर मामला लाया जाएगा तो उस पर ज़रूर एक्शन होगा। तो मेरी अपील है एल जी साहब से मोदी साहब से कि इसका संज्ञान लिया जाए और लोगों की प्रॉब्लम हल की जाए शुक्रिया जी धन्यवाद। ये देख सकते हैं इन्होंने कहा कि अगर डिपार्टमेंट आगे बात नहीं पहुंचाता तो ये आखिरी ये डिपार्टमेंट किस लिए यहाँ पर बनाए हुए हैं ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे इनका यही मसला है कि ये दरिया से परेशान है कि यहाँ पर कोई क्रेट वगैरह यहाँ डाले जाने चाहिए काफ़ी सारा एरिया है जो इसी दरिया में जो बह चुके हैं इनकी ज़मीन जो है वो काफ़ी दूर दूर तक ज़मीन हुआ करती थी लेकिन आज ये लोग बिल्कुल खतरे के निशान पे है ये
बकौर गांव है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये लोग। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम राम सिंह है, मैं यहीं बकौर का ही रहने वाला हूँ। और ये दरिया के बारे में बता रहे हैं, दरिया तो काफ़ी कुछ ले चुका है लोगों का। अभी तो बहुत दूर था जहाँ हम, तो अभी 70-75 साल उम्र हो रही है, हम पहले देखा है स्कूल कहाँ था, मंदिर कहाँ था, ये वो काफ़ी इलाका लोगों का बह चुका है। ये जो थोड़ा सा काम पिछली बार हुआ था थोड़ा सा, लेकिन वो भी ना बराबर ही। अभी तो मैं 8-9 साल से, जहाँ 10 साल हो गया पेंशन आए हुए, अभी तक तो कोई इतनी बड़ी बरसात नहीं हुई। इन तो ये जो पुल बना रहे हैं ना मोदी जी, ये पुल पल बह जाते, अभी तक बारिश नहीं हुई अभी तक ऐसी कोई भी। और मोदी सरकार का तो है थोड़ा आश्वासन, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलान कर दूंगा, उसके मिनिस्टर आते हैं यहाँ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी कल के पेपर में दिया है, बॉर्डर लेवल के स्टेशन बना दूंगा जम्मू में 4, उधमपुर पता नहीं कहाँ कहाँ बताया, ठीक है। तो आश्वासन है ये, ऐसा करने से क्या, बेरोजगारी दुनिया भर की है और महंगाई जो है दुनिया का सत्यानाश कर दिया है। जो दरमियानी तबके का आदमी है उसकी यही तय फिर गई पूरी, क्या खाएगा वो 1150 रुपये का सिलेंडर लेकर के। ये तो सोचने वाली बातें हैं। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि हमको कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी खराब है, नहीं सब ऐसा है, लेकिन सभी ऐसा ही करते हैं। ये दरिया का काम चीफ मिनिस्टर जहाँ आ चुका है, एक बार चीफ मिनिस्टर अमर उद्दुल्ला साहब तारा चंद लेके यहाँ पहुँचा था, तब भी उससे कुछ नहीं हुआ, तब भी यही पोजीशन थी, उसके बाद और पर बह गया होड़ा। और अगर यही हालत रही, अभी लंबेदार से मैं बात कर रहा था, बोला ये बच जाता लेकिन इस हालत में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं, सिर्फ श्रीनगर को देख रही है, कश्मीर को देख रही है, कश्मीर में ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि वोट चाहिए ना। तो पुत्र जब जहाँ यहाँ वोट लेने आओगे पता तब चलेगा पता, वोट कौन देता है कौन नहीं देता, बोलने से थोड़ा होता है कि हमारे वोट तो 50 सीटें ले जाओगे, जहाँ से कहाँ से ले जाओगे 50 सीटें, यहाँ एक भी लेकर बताना। इसीलिए इलेक्शन नहीं करा रहे, और क्या बात है, क्यों आगे के पीछे ले जा रहे हैं इलेक्शन को, आम आदमी पार्टी को आने दो। जो कुछ केजरीवाल कुछ बोलता तो है, करेगा या नहीं करेगा, बोलता देता है ना कम से कम आपका बिजली किराया माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 5 किलो आटा लोगों को देकर खुश कर रहा है। रेवड़ियों का बीजेपी बांट रही है, और कौन बांट रहा है, माया उगड़ा सारी आम आदमी पार्टी थोड़ा रेवड़ियाँ बांट रही है, मोदी सरकार बांट रही है रेवड़ियाँ 5 किलो आटा दे करके। तो क्या है, मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो भी सरकार है एलजी साहब से, एलजी साहब की सरकार है अभी, और ये बकौर गांव को अगर बचाना है तो थोड़ा बहुत काम करवाया जाए ताकि लोग बच सके। अभी फिर 2 महीने 1 महीना रह गया है, उसके बाद फिर बरसात आने वाली है, गर्मी आ जाएगी, ये जो स्कूल है थोड़ा बचा है ये भी बह जाएगा इस साल में। ये स्कूल बहने की बात कही आपने, जब स्कूल जब यहाँ से दरिया की चपेट में आया था तो काफ़ी सारे यहाँ पे DDC VDC और उच्च अधिकारी यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे आए थे, आप लोगों के लिए से बात करने के लिए आए थे, उन पे आपका क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ आपको कि चीफ मिनिस्टर साहब आए थे। और तक बात छोड़ो, BDC DDC क्या है, कौन है, हमारा सूर्य प्रकाश जी है जो बैठे हैं। एक केस हुआ था यहाँ पर एक लड़का मार दिया किसी ने, ये कैसा हुआ कैसा नहीं, खूब मारा जा क्या हुआ ये, उसके बारे में बुलाया थाने ले गए, मुँह तक नहीं खुला सूर्य प्रकाश का, मुँह तक नहीं खुला, हम फिर भी बोले लेकिन वो नहीं बोल सका। ऐसे क्या करना है BDC को, नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं भारतीय जनता पार्टी हम अधिकारी, आपका क्या होगा? अगर वोट मांगने के लिए आए तो हम तो नहीं वोट देंगे, मैं बोलूंगा उनको जलसा जुलूस नहीं कर देंगे इस गाँव में, आया भी कोई यहाँ आएंगे भी नहीं, हो बोला है उनको जाया जाया क्या, डॉक्टर का कैंप लगाया 2 बार, वो तारो जी हमारी जो श्रीमती वो हैं क्या बोलते हैं सरपंच जी हैं, वो डोंच के मैं करा देगी। दूसरे मैं पेपर देखा, नाम कहाँ बकौर का, और कैंप कहाँ लगा डोंच का, मैं क्या शर्म आई, क्यों फिर दोबारा फिर वो पेपर में जो देखा डोंच का ही देना था ना, बकौर का नाम क्यों लिया, उसमें डोंच का नाम ही नहीं था बिल्कुल भी पेपर में, लेकिन लगाया कहाँ वो नंडोरा फराया जहाँ कैंप लगेगा महंत जी ने, लेकिन बाद में पता चला ये उनका बंदोबस्त नहीं। तुमने आगे पूछा हमको क्या हम 4 आदमी को खाना नहीं खिला सकते थे कैंप वालों को, तो करने की बातें हैं सिर्फ, ये तो करने में क्या है, पेपर पढ़ो
आओ पेपर आज का दिखाऊंगा आपको, आज का पेपर आया नहीं, कल का दिखाऊंगा आपको क्या बकवास खाना लिखा है। ये हो गया कहीं मेला लगाया एक, पता नहीं कितनिया लाखों औरतों को बोलता है रोजगार दे दिया हमने, कहाँ से दिया रोजगार हमारे गांव में किसी को? वो औरतें चार खड़ी है, बोलो कितना रोजगार मिला है इनको, कोई किसी को मिला है तो बोलो। मेरे अपने गांव की बात करता हूँ, ऐसा बाकी गांव भी होंगे, कितने को मिला है ये रोजगार? लाखों बच्चों को हमने रोजगार दे दिया, इन नियुक्ति पत्र दे दिए, वो जो पीछे रह गए जो मैं 8 साल में आपने नियुक्त किया ही कोई नहीं था, वो जो उनकी जगह जो पेंशन गए उन जगह लगाने तो थे आपने, वो लगाने नहीं थे। ये बातें तो है, इनकी बातें क्या बताऊँ आपको। ठीक है मोदी साहब का शक कर रहे हैं, ठीक है जी मोदी जी जायजाकार है, और हम मैं खुद बोल रहा हूँ हमारी जनता जो है कोई पता नहीं जनता को, 24 वाला इलेक्शन 20 हालत में मोदी ही ले जाएगा लग रहा है मेरे को, हाँ ले जाएगा, क्योंकि जनता बेवकूफ़ है, जनता मानने वाली नहीं। क्या मतलब है, अमेरिका से वो हो गया, दुआ हो गया, दूसरे बाहर का कोई आदमी आएगा वो आपको देगा कुछ नहीं, कमाने के लिए आएगा। अगर कंपनियां आएंगी तो क्या आएंगी, कमाने के लिए आएंगी ना भाई, कमाने के लिए आएंगी, और कुछ सरकार को देंगी टैक्स, सरकार को फायदा है, जनता को क्या फायदा होगा उसका, जनता का तो कोई नहीं है। ये बजट पेश किया है, क्या है इस बजट में, इस बजट में कुछ नहीं है, गरीब आदमी तो वहीं का वहीं है, सेंटर वाला भी वहीं है, एक 5 के बजाय 7 लाख कर दिया भाई, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो 7 लाख आता किसको है, 50,000 पेंशन जिसकी है उसको भी 7 लाख नहीं बनता, कहाँ से आएगा। तो ये बातें कहने की हैं, ठीक है मेरा यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि बकोर का दौरा करें और इस दरिया को देखें, और ताकि गांव पूरा जो 400-500 घर है यहाँ पर, 1,000 वोट है यहाँ का, बच सकता है ऐसी बात नहीं, और वोट भी मिल सकता है अगर दरिया का काम शुरू हो जाए तो। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये हमने जो आज खबर आपको दिखाई ये बकौर इलाके से है, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, और इनका यही कहना है कि ये जो दरिया है इसको चनाब दरिया है, इससे इनको ये इतनी परेशानी आ रही है कि काफ़ी सारा एरिया जो इनका था वो इस दरिया की चपेट में आ चुका है, और इनका यही कहना है कि एलजी साहब से ये यही गुहार लगा रहे हैं कि एलजी साहब यहाँ पे आके एक दौरा करें और बकौर के इलाके के जो लोग हैं उनका उनसे हालचाल पूछें कि आखिर कितने सारी उनकी ज़मीनें हैं जो इस दरिया की चपेट में आ चुकी हैं। और मैं फ्लड कंट्रोल के जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब इन लोगों का जो अभी दरिया का बहाव है वो बहुत कम है, पानी भी बहुत कम है, और यहाँ पे जितने भी सारे क्रेट डलते हैं वो जल्द से जल्द क्रेट डाले जाएं ताकि ये बकौर इलाका है जो ये दरिया की चपेट में आने से बच सके। आप जुड़े रहें जेके टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन रोहित के साथ, जय हिंद।